हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल वर्कशीट पैराडिग्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग वर्कशीट नंबर 11 ऑफ क्लास फर्स्ट कंप्यूटर साइंस। दिस वर्कशीट इज़ अबाउट द कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ द कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट ब्लैंक, कंप्यूटर इज ए वेरी डैश मशीन। कंप्यूटर किस तरह की मशीन है? कंप्यूटर एक डेलिकेट मशीन है। डेलिकेट का मतलब ये है कि बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड मशीन है, एक ऐसी मशीन जिसको आराम से यूज़ किया जाना चाहिए, रफ मशीन नहीं है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेलिकेट, डी ई एल आई सी ए टी ई, डेलिकेट। सेकंड क्वेश्चन, वी शुड एंटर द कंप्यूटर रूम इन ए। कंप्यूटर रूम में हमें किस प्रकार से जाना चाहिए? कंप्यूटर रूम में हमें लाइन बना के जाना चाहिए, तो लाइन को हम कहेंगे क्यू, क्यू यू ई यू ई क्यू। डैश वायर्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स। कौन से तरह के वायर्स कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स, ई एल ई सी टी आर आई सी ए एल, इलेक्ट्रिकल। फोर्थ, नेवर डैश कंप्यूटर और इट्स पार्ट्स व्हेन इट इज यूज। जब कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? जब हम कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हमें उसको कवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गर्म हो जाएगा। तो यह आंसर आएगा कवर, सी ओ वी ई आर। आगे चलते हैं, राइट डूज एंड डोंट्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और यदि ये स्टेटमेंट करना चाहिए तो हमें डूज लिखना, और अगर ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए तो डोंट लिखना है। पहला स्टेटमेंट, ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द रूम। कमरे के अंदर, कंप्यूटर रूम के अंदर हमेशा शांति बनाए रखें, तो ये सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो आंसर होगा डूज। चलते हैं सेकंड, मेंटेन अ क्यू टू एंटर इन कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में जाने के लिए क्यू का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर है डूज। हाँ, हमें कंप्यूटर के रूम में जाने के लिए एक लाइन बनाते हुए कंप्यूटर रूम में एंटर होना चाहिए। थर्ड, द मेन स्विच शुड बी टच। कंप्यूटर चल रहा है तो हमें मेन स्विच को हाथ लगाना चाहिए, फॉल्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम डोंट लिखेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो करंट आ जाएगा। डी ओ एन टी कॉमा एस, डोंट्स। कीप द ईटेबल आइटम्स ऑन द कंप्यूटर टेबल। खाने पीने की चीज़ों को कंप्यूटर के नज़दीक रखना चाहिए, डोंट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो खाने पीने की चीज़ें कंप्यूटर के अंदर गिरेगी, कीबोर्ड में गिरेगी और कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। डी ओ एन टी एस, डोंट्स, इसका आंसर भी डोंट्स होगा। फिफ्थ, कवर कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन इन यूज़। कंप्यूटर को कवर कर देना चाहिए जब हम उसको चला रहे हैं, डोंट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर गर्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अब चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एनी टू डूज ऑफ द कंप्यूटर। हमें ऐसे दो चीज़ें बतानी हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ करनी चाहिए। फर्स्ट लिखते हैं, हैंडल कंप्यूटर सॉफ्टली। हमें कंप्यूटर को आराम से यूज करना चाहिए। सेकंड, कीप द कंप्यूटर क्लीन। कंप्यूटर को साफ रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी टू डोंट्स ऑफ द कंप्यूटर। दो ऐसे बताने जो कंप्यूटर के साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला होगा, डू नॉट, डोंट पुट एनी लिक्विड नियर
कंप्यूटर। लिक्विड की स्पेलिंग है LIQUID। हमें कंप्यूटर के पास किसी भी तरह का लिक्विड नहीं रखना चाहिए। सेकंड, प्रेस कीबोर्ड कीज रफली, इधर हम लिखना भूल गए, ऊपर लिखेंगे डोंट प्रेस कीबोर्ड कीज रफली। वापस पूरे क्वेश्चन को दोहराते हैं। राइट एनी टू डोंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो ऐसे कार्य बताने जो नहीं करने हैं हमें कंप्यूटर के साथ। पहला, डोंट पुट एनी लिक्विड नियर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास कोई भी गीली चीज़ नहीं रखें, कोई भी तरह का लिक्विड नहीं रखें, नहीं तो वो कंप्यूटर में गिर सकता है। सेकेंड, डोंट प्रेस कीबोर्ड कीज रफली। रफली की स्पेलिंग है RUGHLY। कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज़ को बहुत रफ मैनर में जोर जोर से नहीं दबाएं, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, शुड वी मेक नॉइस इन ए कंप्यूटर रूम। क्या हमें कंप्यूटर रूम के अंदर आवाज़ करनी चाहिए? नो, वी शुड नॉट मेक एनी नॉइस इन द कंप्यूटर रूम। हमें कंप्यूटर रूम में आवाज़ नहीं करनी चाहिए, तो हम लिखेंगे नो वी शुड नॉट मेक एनी नॉइस इन ए कंप्यूटर रूम। हमें कंप्यूटर रूम के अंदर किसी भी तरह की नॉइस नहीं करनी चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। ये हमारी वर्कशीट थी जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स, डू एंड डोंट्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।